प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी यानी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के राष्ट्रीय लॉन्च समारोह में लेंगे भाग, देंगे मुख्य भाषण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई में अपने समकक्ष से की बात, भारतीयों पर हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के प्रसार पर नजर रखने और कोविड जांच बढ़ाने के दिए निर्देश, संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए मंत्रालय ने दी सलाह। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के खिलाफ 143 मामले किए दर्ज। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में हुई शामिल। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले 20 जनवरी से दिल्ली में ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारों और पैराग्लाइडर सहित उड़ने वाले सभी हवाई उपकरणों के संचालन पर लगाई रोक। इन सभी हवाई उपकरणों पर 15 फरवरी तक रहेगी रोक। देश में 24 घंटे में आए 282,970 नए मामले, सक्रिय केस संख्या वर्तमान में हुई 18,31,000, रिकवरी रेट 93.88%। भारत में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या हुई 8,961, कल से मामलों में 0.79% की हुई वृद्धि, दैनिक सकारात्मक दर 15.13%। ब्रिटेन की अदालत ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या और उसके परिवार को उसके लंदन स्थित घर से बेदखल करने के दिए आदेश, स्विस बैंक यूबीएस कथित तौर पर उनकी संपत्ति पर करेगा कब्जा। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा ने कहा, ये उनका आखिरी सीजन होगा।